गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सारी चीज़ें। हम लोग यहां पे सीरीज देख रहे थे और इस वीडियो में फिर से हम सीरीज के अगले पार्ट पे बात करते हैं कि सीरीज के अगले पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आइए हम लोग समझते हैं इसमें। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे शुरुआत में। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा एक बटे दो लिखा है, प्लस एक बटे छः लिखा है, एक बटे बारह लिखा है, एक बटे बीस लिखा है, एक बटे तीस लिखा है, एक बटे बयालीस लिखा है और प्लस एक बटे छप्पन लिखा है। ठीक है, इतनी बड़ी सीरीज है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सम क्या होगा। अब देखिए, अमूमन क्या जिन बच्चों को नहीं पता होगा, कोशिश करेंगे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, फिर कुछ ऐसा बनाएंगे करेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा। आइए समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका और एक मेथड वाला कॉन्सेप्ट वाला भी तरीका मैं आपके साथ दोनों डिस्कस करता हूं। आपको ये भी सिखाऊंगा कि शॉर्टकट कैसे नहीं लगता है सब जगह, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस करेंगे। जब भी इस तरह की सीरीज मिले तो नीचे वाली संख्याओं को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिन दोनों का अंतर एक हो, जिन दोनों का अंतर एक या जिन सब में अंतर समान हो, आप ऐसे कह सकते हैं। तो हम दो को तोड़ेंगे तो एक और दो में तोड़ सकते हैं। अगर छः के गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं, दो गुणे तीन। अगर बारह के गुणनखंड करें तो तीन चौक बारह। अगर हम बीस के गुणनखंड करेंगे तो चार पंचे बीस। अगर हम तीस के गुणनखंड करें तो पाँच और छः लिख सकते हैं। अगर हम बयालीस के गुणनखंड करें तो छः और सात लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, सात और आठ। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमने बताया दो तरीके, एक शॉर्टकट तरीका और एक मेथड वाला तरीका। मेथड जरूर सीखें क्योंकि सीरीज में कुछ भी स्क्वायर प्लस माइनस करेगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पर ही आना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। अब देखिए, अगर अब हम इसके फॉर्मूलेशन की बात करें, थोड़ा सा अलग से चर्चा करते हैं आपसे। ये आ गया एक बटे एक गुणे दो। अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो अगला स्टेप क्या आ गया, एक बटे दो गुणे तीन। अगर हम आपसे अगले स्टेप की बात करें तो एक बटे तीन गुणे चार। अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो चार गुणे पाँच। ठीक, अब ये हमारी फॉर्मुलेशन सब जगह हमारे पास ऐसे बन गई है। ठीक है, और ये एक बटे, ठीक है। अब देखिए, हम क्या एक बटे एक गुणे दो को किस और तरीके से लिख सकते हैं? आपको इसी बात को लिखना है किसी और तरीके से, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे एक माइनस एक बटे दो। देखिए, आप किसी भी संख्या को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बशर्ते उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे, दो इकन्नम दो, एक इकन्नम दो में से एक गया एक बटे, ठीक, मतलब इसको लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप इन लाइनों को हटा लीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस ही लगा हुआ, तो हम लोग प्लस ही लगा के कर लेते हैं सब जगह पे प्लस। ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, एक बटे दो गुणे तीन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बटे दो माइनस एक बटे तीन। आप सॉल्व करो, तीन एकन्नम तीन, दो एकन्नम दो, तीन में से दो गया एक, ऊपर आ गया नीचे छः। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। इसका मतलब पूरी सीरीज को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक बटे चार माइनस एक बटे पाँच, अगला फिर एक बटे पाँच माइनस एक बटे छः, फिर एक बटे छः माइनस एक बटे सात, प्लस एक बटे सात माइनस एक बटे आठ, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, माइनस का एक बटे दो, प्लस का एक बटे दो, माइनस का एक बटे तीन, प्लस का एक बटे तीन, माइनस का एक बटे चार, प्लस का एक बटे चार। तो ये सारे डिजिट्स क्या हो गए, सारी कैंसिल हो गई, बचा क्या आपके पास, वन बाई वन माइनस वन बाई एट। तो फाइनल आंसर कितना होगा, आठ इकन्नम आठ, सात बटे आठ। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर हम आप शॉर्टकट की बात करें कि ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट क्या होता है, तो बहुत ही आसान है शॉर्टकट। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, आप मेथड भी सीखेंगे, शॉर्टकट भी सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक एक फार्मूला बेस है, क्या फार्मूला है, वन अपॉन डिफरेंस, एक बटे अंतर, अंतर मतलब एक और दो में एक का अंतर, दो और तीन में एक का अंतर, तीन और चार में, चार और पाँच में, पाँच और छः में, छः और सात में, सात और आठ, सब जगह का अगर अंतर बराबर है तो ये फार्मूला एक बटे अंतर, वन अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट माइनस वन अपॉन लास्ट। अब देखिए, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट है और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट है। इस बात का, क्योंकि शॉर्टकट है तो आपकी जिम्मेदारी है ध्यान रखना कि हमें आसान तरीके से जाना है लेकिन सावधानी पूर्वक जाना है। अब हो सकता है कोई दो के गुणनखंड करे तो दो गुणे एक लिख सकता है, छः के गुणनखंड करेगा तो तीन गुणे दो लिख सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है
जब भी ये गुणनखंड होने चाहिए आपके आरोही क्रम में, है ना, एक दो दो तीन तीन चार के क्रम में। तो फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट। अंतर हमारा एक एक का है तो एक बटे एक, फर्स्ट का मतलब एक है, लास्ट का मतलब आठ है। तो आप देखेंगे, और मैं आपसे बार बार कहता आया हूँ, मैथ्स में शॉर्टकट का मतलब है मेथड का स्टैंडर्ड नोटेशन। बीच की कुछ लाइनें हटा दी जाएंगी, डायरेक्ट आपको आंसर सिखाया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 7/8। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है। अब देखिए, सीरीज क्या हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, 1/12 से भी शुरू हो सकती है, 1/20, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 ऐसे भी आ सकती है, इतनी लंबी सीरीज आ सकती है। तब भी हमें सेम ही तरीका अपनाना है, बस हमें चेक करना है ऐसी दो संख्याओं में जिन सबका अंतर बराबर हो। 4 और 5 लिख सकते हैं, इसको 5 और 6 लिखेंगे, इसको 6 और 7 लिखा, ये हमारे पास 7 और 8 हो जाएगा, इसको हम 8 और 9 लिख सकते हैं, 90 को 9 और 10 लिख सकते हैं, 110 को 10 और 11। तो अब डायरेक्ट हम शॉर्टकट लगा सकते हैं क्योंकि सब जगह का अंतर बराबर है। अंतर बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, 1/अंतर, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट। तो 1/अंतर की बात करेंगे, 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में, 5 और 6 में, 6 और 7 में, सब जगह का अंतर बराबर है, तो एक एक का अंतर। फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट हम 3 लिखेंगे और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट हम 11 लिखेंगे। तो 1/3 माइनस 1/11, तो आपके सवाल का आंसर 11 - 3/33। तो आपके सवाल का फाइनल आंसर 8/33। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और करता हूं जहां पे अंतर ज़्यादा। एक क्वेश्चन और यहां पे लेते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, मान लो लिखा है 1/2 लिखा है, प्लस 1/6 लिखा, प्लस 1/9 लिखा है, प्लस 1/12 लिखा है, प्लस 1/20 लिखा है, प्लस 1/30 लिखा, प्लस 1/42। ठीक, आपने सबके फैक्टर्स करने शुरू किए, 1/2 हो गया, 2/3, लेकिन 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3/3 होगा, 12 को हमने लिखा 3 और 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 5, 30 को क्या लिखेंगे, 5 और 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 और 7। ठीक है, सब जगह का अंतर जरूर चेक करेंगे। ठीक है, अंतर देखिए, 1 और 2 में 1 का, 2 और 3, लेकिन ये 3 और 3 का अंतर 0, बाकी सब जगह का अंतर बराबर है। अगर सीरीज में कोई इस तरह की संख्या मिलती है जिसका अंतर बराबर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को, आप इस डिजिट को चाहो तो सबसे आगे रख लेना या इसको सबसे लास्ट में, अपनी सुविधा अनुसार। तो हम लोग इसको अलग ही कर लेते हैं, 1/9 को अगर हम यहाँ से हटा लें, 1/9 को अगर हम हटा दें अब सीरीज से, अब ये बताइए कि अब ये सब जगह का अंतर बराबर है, तो फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला है, 1/अंतर, तो अंतर 1 का है, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट हो जाएगा और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/1 माइनस 1/7, तो फाइनल 1/9 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 7, 1 घटेगा, 6/7, तो दोनों कैल्शियम कितना हो गया, 63, तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 = 54। 9 और 7 कैल्शियम 63 हो गया, 7 - 9 = 54, और 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61/63। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 61/63। एक सीरीज हम और आपसे डिस्कस करते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं सीरीज में। जैसे देखिए, हो सकता है आपके साथ ये भी दिया रहे, 1/15 आ जाए, 1/35 आ जाए, 1/63 है, और 1/99, या फिर प्लस 1/143। ठीक है, सेम वही तरीका करेंगे हम, सबके गुणनखंड पता करेंगे, 3 और 5 होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 और 7 होंगे, इसके गुणनखंड 7 और 9 होंगे, इसके गुणनखंड 9 और 11। ठीक है, और 143 के गुणनखंड 11 - 13। ठीक, तो सेम फार्मूला, सब जगह का अंतर, 2-2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, सब जगह का अंतर बराबर है। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट आपके पास ट्रिक है, क्या ट्रिक यूज करना है, 1/डिफरेंस। अब की देखिए, अंतर 2-2 का है तो 1/2, 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट, तो 1/3 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/13, तो 1/2 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 * 3 = 39, तो ये क्या हो जाएगा, 13 - 3, तो 1/2 * 10/39, तो 2 × 5 = 10। तो आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5/39। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपसे।
हो सकता अंतर दो दो का है। एक सवाल ये ऐसा भी है 1 × 4 और अगला है 4 और 7 और अगला है 7 और 10 और अगला है आपके पास 10 और 13 और अगला है 13 और 16। सेम क्वेश्चन है, आपने देख लिया सब जगह का अंतर बराबर है, तो 1/अंतर 1/1 का मतलब वेरी फर्स्ट, लास्ट का मतलब वेरी लास्ट, 1/1 − 1/16। बहुत ही जल्दी कर लिया, कितना आ गया यहाँ से 15/16, तो कट जाएगा 3 × 5 = 15, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 5/16। ठीक है, अगर इन सारे क्वेश्चन को मेथड से करेंगे तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था सीरीज में, आप सारे क्वेश्चंस को वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेथड की ज़रूरत कहीं ना कहीं शॉर्टकट वहाँ पे फेल हो जाता है, या फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है 3/2 × 2² + 5/2 × 3² + 7/3² × 4² + 9/4² × 5² + ……… लिखा हुआ 19/, ये यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोगों को, 7 मैं इसको सही करता हूँ, +7/7 वाला है 3² × 4² + इसके बाद 9 वाला है 9 × 4² = 5² − 19/9² × 10². अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, फिर से आपको नहीं दिख रहा है 19, तो लास्ट वाला है 19/9² × 10² ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्राई करें, क्या ट्राई करेंगे आप, अंतर देखेंगे 1² 2² मतलब 3 का अंतर, 2² 4 और यहाँ कितने का अंतर हो गया 9, फिर 5 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोगों ने सीखा था अगर कहीं पे 1/1 × 2 लिखा है तो इसको 1/1 − 1/2 लिख सकते हैं, बशर्ते इस वैल्यू का मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करें, ये लिखा हुआ क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/1² − 1/2² आ जाओ चेक करते हैं 1/1 − 1/4 तो 4 − 1/4 तो ये 3/4, इसका मतलब 3/4 ये भी 3/4 ही लिखा है और ये भी 3/4 आया, इसका मतलब माइनस में लिख सकते हैं सब सीरीज में, बस इसी बात का ध्यान रखना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2² − 1/3² एक और कर लेते 4 और ये कितना हो जाएगा 9 − 4/4 और 9 तो ये 5/4 को 2² और 9 को 3² मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हमें समझ लेना, बाकी सीरीज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगली सीरीज को 1/3² − 1/4² + 1/4² − 1/5² का मतलब बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो लास्ट में 1/9² − 1/10² ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये −++ − ±+ ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 1/1² − 1/10² ठीक है, तो 1/1 − 1/100 तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 99/100 ठीक है। तो ऐसे बहुत सी सारे क्वेश्चंस हैं, और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सीरीज के वो एक और वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। बहुत ही जल्द मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।